भाइयों बहनों, इन दिनों टीवी पर निर्मल बाबा के दरबार की बड़ी चर्चा हो रही है। निर्मल बाबा, उसकी तो चर्चा लोग करते हैं, लेकिन दिल्ली में भी एक ऐसी पूरी सरकार है जो निर्मल बाबा का ही दरबार है। ये निर्मल बाबा कहते हैं कि जरा रसगुल्ले खाओ, कृपा हो जाएगी, थोड़े रसगुल्ले बांटो, कृपा हो जाएगी। ये निर्मल बाबा की दिल्ली की सरकार भी कहती है कि हमारी सरकार बना दो, महंगाई चली जाएगी। ये कहां था ना, दिल्ली में उनकी सरकार बनाओ, 100 दिन में महंगाई जाएगी, ऐसा कहां था ना। दिल्ली में उनकी सरकार बनाओ, महंगाई 100 दिन में जाएगी, ये कहां था। जैसे निर्मल बाबा कहता है वैसे ही कहा था ना। गई भाई, निर्मल बाबा के खिलाफ तो केस चल रहा है, मैं जनता की अदालत में ये दिल्ली की निर्मल बाबा वाली ये सरकार के खिलाफ केस दर्ज कराने आया हूं भाइयों। ये जनता की अदालत में मैं केस दर्ज करने का ही आया हूं। ये कैसी सरकार है जी, वादे करना, लोगों को गुमराह करना और अपना काम कर लेना, जैसा निर्मल बाबा कर रहे हैं वैसा ही खेल ये लोग कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये निर्मल बाबाओं को जानने की जरूरत है। वो तो एक निर्मल बाबा है और यहां तो ऊपर से नीचे तक हजारों निर्मल बाबा बैठे हैं जो देश की जनता को सिर्फ ऐसे रसगुल्ले मारते घूम फिर रहे हैं और अपना खजाना भर रहे हैं। कि ये जो रुपये की कीमत बहुत तेजी से घट रही है, एक साल में 25% गिरावट आई है, 25% गिरावट। देश जानना चाहता है कि नवंबर महीने तक मामला ठीक चलता था, उसके बाद ये कौन सी बातें हुई हैं, कि आरबीआई ने कौन से बयान दिए हैं, केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ने कौन से बयान दिए हैं, और अचानक बहुत तेजी से रुपया गिरता क्यों गया है। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है, क्या रुपयों की हेराफेरी का कोई खेल चल रहा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय अर्थ जगत के अंदर इस प्रकार से माल प्रैक्टिस करने वालों के नेटवर्क को कोई मदद पहुंचाई जा रही है। देश चाहता है प्रधानमंत्री जी, आप तो कभी अर्थ जगत के मुखिया के रूप में काम किया है, ये रुपयों की गिरावट ये सिंपल आर्थिक कारणों से रुपयों की गिरावट नहीं दिख रही है, ये रुपये की कीमत आर्थिक कारणों से नहीं घटी है, कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई कोई हेराफेरी का खेल है जो देश जानना चाहता है। ये गंभीर सवाल मैं आज दिल्ली की सल्तनत के सामने उठा रहा हूं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। यह जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है।